with discharge of contract, and from this chapter, in today's session, we will cover the last topic of the chapter, which is one of the important questions. Explain the doctrine of frustration. Discuss its exceptions. Since we are supposed to first explain what is exactly doctrine of frustration, what is the principle of frustration, and then you are supposed to explain where this doctrine is applicable and where this doctrine is not applicable. If they ask you straightforwardly what are the exceptions, then you are supposed to explain where this doctrine is not applicable. Where this doctrine of frustration is not applicable, exactly you are supposed to explain in case of exceptions. So let us see how this question answer can be shown. How you are supposed to represent your answer in case of doctrine of frustration. So first of all, we will try to understand doctrine of frustration. Doctrine of frustration topic has a relation with impossibility of performance. हमने जो थर्ड मेथड पढ़ी थी इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस उसी का टॉपिक है डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन. हमने पढ़े थे देयर आर टू टाइप्स ऑफ इम्पॉसिबिलिटी, री एग्जिस्टिंग इम्पॉसिबिलिटी एंड सुपर वेनिंग और वी कैन से सबसेक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी. तो फ्रॉम दिस टू द सेकेंड वन इज सबसेक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी दैट इज सुपर वेनिंग इम्पॉसिबिलिटी ऑल्सो नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन. तो doctrine of frustration topic has a relation straightforward with the third method, and the third method of getting discharge is impossibility of performance. Now let us try to understand what exactly is doctrine of frustration, what exactly is supervening impossibility, or we can say subsequent impossibility. Impossibility which arises subsequent to the creation of the contract is called supervening impossibility, or we can say doctrine of frustration. सर जिस वक्त आपने कॉन्ट्रैक्ट किया उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, लीगल था, परफॉर्मेंस पॉसिबल था जिस वक्त आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन ड्यू टू हैपनिंग ऑफ सम इवेंट लेटर ऑन इट बिकम्स इम्पॉसिबल फॉर यू टू परफॉर्म अंडर द कॉन्ट्रैक्ट. द परफॉर्मेंस बिकम्स इम्पॉसिबल फॉर यू लेटर ऑन सबसेक्वेंटली. आपने जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट किया अगर उस वक्त की परफॉर्मेंस देने की बात होती तो आप उसी वक्त कर देते, लेकिन परफॉर्मेंस की डिमांड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 10 दिन बाद की गई हो और 10 दिन पहले से कोई हादसा हो जाए, 10 दिन से पहले कोई बीच में हादसा होता है विच इज़ एन अनकंट्रोलेबल इवेंट, ऐसी सिचुएशन हो जाए तो सर वहाँ परफॉर्मेंस आप देना भी चाहें तो आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाए. अगर इम्पॉसिबल हो जाएगा तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, आप चाहते थे परफॉर्म करना बट ड्यू टू हैपनिंग ऑफ इवेंट यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म अंडर द कॉन्ट्रैक्ट. आपने किसी कंपटीशन में नाम लिखवाया हो, कंपटीशन की डेट से पहले आपसे कोई हादसा हो जाए तो कंपटीशन पे आप परफॉर्म करना चाहते थे लेकिन अब हम नहीं कर पा रहे हैं परफॉर्म ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी एज पर फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी. फिजिकली आप फिट नहीं हो तो कैसे परफॉर्म, कोई हादसा हो जाए या आप बंदा बीमार हो जाए, सीरियसली इल हो जाए, ऐसी कुछ घटना घट जाए जिसकी वजह से आप परफॉर्म भी करना चाहे तो अब नहीं कर पा रहे, तो फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, असफल हो जाते हैं परफॉर्मेंस देने से. सच टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड. इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट को हम कैसे क्या ट्रीट करेंगे सर, इसे हम कैंसल्ड मानेंगे, इसे हम वॉइड मानेंगे, इनवैलिड मानेंगे. जब कॉन्ट्रैक्ट को हम ट्रीट वॉइड कर रहे हैं तो पार्टीज जो है सर दे आर डिस्चार्ज फ्रॉम देयर लाइबिलिटीज, दे आर डिस्चार्ज फ्रॉम देयर ऑब्लिगेशंस ऑन द ग्राउंड ऑफ द रीजन ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ फ्रस्ट्रेशन. असफल हो गए हम, हमें जो परफॉर्मेंस देना था उसमें हम असफल हो गए, फ्रस्ट्रेशन आ गया, परफॉर्मेंस हम ईमानदारी से देना चाहते थे लेकिन अब नहीं दे पा रहे हैं. जिस वक्त हम नहीं दे पाएंगे, जिस वक्त से हम नहीं दे पाएंगे उसी वक्त से वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मान लिया जाएगा और उसी वक्त से द पार्टीज गेट डिस्चार्ज फ्रॉम देयर ऑब्लिगेशन. इसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन. आप परफॉर्म करना चाह रहे हैं बट ड्यू टू हैपनिंग ऑफ सब इवेंट नाउ द परफॉर्मेंस बिकम्स इम्पॉसिबल फॉर यू, वांट टू परफॉर्म बट यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज द रिजल्ट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन. द पार्टीज गेट डिस्चार्ज, द कॉन्ट्रैक्ट इज ट्रीटेड एज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज एग्जैक्टली द डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन. Now let us have an idea about the exceptions.
कौन सी सिचुएशन में ये जो डॉक्ट्रिन है, ये जो सिद्धांत, ये जो प्रिंसिपल है लागू होता है, और कौन सी सिचुएशन में ये जो प्रिंसिपल है लागू नहीं होता है, तो ये समझने की अब हमें जरूरत है. वेयर द डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन इज नॉट एप्लीकेबल, वेयर द डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन इज एप्लीकेबल. वेयर द डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन इज एप्लीकेबल की चर्चा हमने प्रीवियस सेशन में की. हमने कुछ 5 पॉइंट्स देखे थे, आपको याद होंगे, राइट? 5 पॉइंट्स हमने देखे थे वेयर द डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन इज एप्लीकेबल. एक में बता देता हूँ आपको, पहला पॉइंट क्या था, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर था, और आखिरी पॉइंट आपको याद हो तो शायद ब्रेकआउट ऑफ वॉर. ऐसे 5 पॉइंट्स हमने देखे वहाँ पे. ये डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन एप्लीकेबल है वो सारे जेन्यून रीजंस थे, द पार्टीज गेट डिस्चार्ज फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट इजीली. लेकिन अब जो हम चर्चा करने वाले हैं इस सिद्धांत की चर्चा हो गई, लेकिन ये सिद्धांत कहाँ पे लागू नहीं होता है, जहाँ पे हम एक्सक्यूजेस निकालेंगे. सर मैं तो परफॉर्म करना चाहता था लेकिन नहीं हो पाया, मैं क्या करूँ? सर मैं तो असाइनमेंट सबमिट करना चाहता था लेकिन नहीं हो पाया, मैं क्या करूँ? टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया, मैं क्या करूँ? हो सकता है आपका ये जेन्यून रीजन भी हो सकता है आपका एक्सक्यूज भी हो. तो डिपेंडिंग ऑन दैट सिचुएशन, अगर आपका जेन्यून रीजन है तो यू गेट डिस्चार्ज फ्रॉम योर लायबिलिटी. लेकिन ऐसा नहीं कि असाइनमेंट नहीं देना, नहीं देंगे तो हमें मार्क्स का लॉस हो जाएगा, असाइनमेंट तो देना ही पड़ेगा. लेकिन अगर आपका एक्सक्यूज है, फ्रॉड हो रहा हो असाइनमेंट, फिर भी आप ऐसा कह रहे हैं कि नहीं हो रहा है, एक्सक्यूज निकाल रहे हैं, आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया हो, आपने कोशिश भी नहीं की हो, आप ऐसे ही एक्सक्यूज निकाल रहे हैं, सर वो एक्सक्यूज वैलिड नहीं मानी जाएगी, यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन एप्लीकेबल नहीं. तो आपने जेन्यून रीजंस देने होंगे. अगर आप एक्सक्यूजेस निकाल रहे हैं सर तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा. तो रूल्स देखते हैं. एज अ रूल इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस इज नॉट फ्रॉम परफॉर्मेंस. इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस अगर जेन्यून रीजन के साथ आप बताते हैं, सर मैं परफॉर्म करना चाह रहा था लेकिन मैं नहीं कर पाया, तो जेन्यून रीजन, आप कोई पर्टिकुलर रीजन के साथ आप अपने आप को कन्विंस, सामने वाले को कन्विंस करते हैं, मैं करना चाह रहा था लेकिन क्या करूँ, बाढ़ आ गई और सारे क्रॉप्स जो थे मेरे, जो भी फसल थी मेरी सर, वो सब पानी में बह गए, अब मैं तुम्हें अगर वो जेन्यून रीजन है, नेचुरल कैलामिटी हो गई तो जेन्यून रीजन है. लेकिन एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए, नॉट एन एक्सक्यूज, आपका बहाना नहीं होना चाहिए. बहाना होगा तो यहाँ पे वो डॉक्ट्रिन एप्लीकेबल नहीं, आप बच नहीं सकते. यू डोंट गेट डिस्चार्ज फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद योर एक्सक्यूजेस. व्हेन अ पर्सन हैज प्रॉमिस टू डू समथिंग ही मस्ट फुलफिल हिज प्रॉमिस अनलेस द परफॉर्मेंस बिकम्स एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल. उसने जो वादा किया उसे निभाना ही चाहिए, तब तक उसे कोशिश करनी चाहिए जब तक कंप्लीटली इम्पॉसिबल ना हो जाए. सम ऑफ द केसेस विच डू नॉट कम विथ इन द प्रिंसिपल ऑफ सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी, देर आर सर्टेन केसेस वेयर दिस डॉक्ट्रिन इज नॉट एप्लीकेबल. दिस डॉक्ट्रिन इज नॉट एप्लीकेबल. अब जो हम चर्चा करने वाले हैं वो सारे एक्सक्यूजेस है, एक्सेप्शन है. 5 पॉइंट को छोड़ दीजिए, ये 5 को एक्सक्यूज माना गया है, हमने एक्सक्यूज नहीं निकाला. जेन्यून रीजन होना चाहिए, जेन्यून रीजन है तो कोई दिक्कत नहीं. लेकिन एक्सक्यूज निकाल के अगर आप बचने की कोशिश कर रहे हैं, डिस्चार्ज होने की बात कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट में से, फ्री होना चाहते हैं, लिबर्टी चाहते हैं कॉन्ट्रैक्ट में से बिना परफॉर्म किए, सामने वाले को नुकसान हो सकता है आपके इस रवैये से, तो सामने वाले को भी लॉस नहीं होना चाहिए. अदर पार्टी शुड नॉट बेयर, शुड नॉट सफर लॉस ड्यू टू योर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस. तो एक्सेप्शंस पे चलते हैं सर. एक्सेप्शन नंबर 1, अब आप अच्छे से ध्यान से समझना क्योंकि ये आपको डिटेल में समझाना होता है. अब जो मैं चर्चा कर रहा हूँ ये आपको हर एक एक्सेप्शंस डिटेल में समझाना होता है. पहला बहाना क्या हो सकता है बंदे का, उसे परफॉर्म नहीं करना है, बहाना निकालना है, तो पहला बहाना क्या हो सकता है, सर परफॉर्म तो करना चाहता हूँ लेकिन डिफिकल्टी हो रही है परफॉर्मेंस देने में. सर तो डिफिकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस पहला बहाना क्या हो सकता है, व्हाट वुड बी द फर्स्ट एक्सक्यूज बाय द पार्टी प्रोवाइडेड और गिवन टू द अदर पर्सन. पहला बहाना क्या निकालेगा बंदा, क्या हो सकता है सर, तो पहला बहाना, पहला एक्सक्यूज टू गेट डिस्चार्ज फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट थ्रू इम्पॉसिबिलिटी विच इज नॉट अ वैलिड एक्सक्यूज. तो सर पहला बहाना है डिफिकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस. अब डिफिकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस के बेसिस क्या होंगे, आप कैसे मेजर करोगे कि हाँ सही में बहुत डिफिकल्ट है, आप परफॉर्म करना चाह रहे थे लेकिन आपको परफॉर्मेंस देने में मुश्किल हो रही थी, तो किस प्रकार की मुश्किल हो रही थी, क्या डिफिकल्टी अराइज हो रही थी, क्या हार्डशिप्स थी आपके लिए, क्या तकलीफें उठाई आपने. द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट डिस्चार्ज जस्ट बिकॉज
the performance has become. The contract is not discharged just because the performance has become more expensive, more difficult, or less profitable than what was expected at the time of its formation. आप ऐसे excuses निकालेंगे, difficulty हो रही है performance देने में, तो किस चीज की difficulty हो रही है? बहुत बहुत मुश्किल हो रहा है, माल ही नहीं मिल रहा है, raw material ही नहीं मिल रहा है, माल ही नहीं मिल रहा है, difficulty हो रही है. दूसरा हो सकता है बहुत खर्चा हो रहा है, मुझे जो प्रॉफिट होना चाहिए था उससे ज़्यादा तो मेरा खर्चा हो रहा है, कैसे गुड्स बहुत कम प्रॉफिट हो रहा है, लेस प्रॉफिटेबल हो रहा है. मुश्किल से मुझे 2000 मिलेंगे आपको, मैं 50,000 का माल दूंगा तो मुझे 2000 मिलेंगे, मुश्किल से मिलेंगे, हो सकता है उससे कम भी मिले. तो ऐसे एक्सक्यूजेस निकालने की कोशिश की जा रही है कि ये आपने तब सोचना चाहिए था जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया. अगर आपको मुश्किलें हो रही थी तो आप कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करते ना, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया क्यों? आप एग्री किए होंगे कि मैं आपको ये सप्लाई करूंगा ये चीज़ की, तो आपने वो परफॉर्मेंस देना चाहिए ना, उस हिसाब से अपना कमिटमेंट फुलफिल करना चाहिए. अगर आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो आपको पहले ही सोच लेना चाहिए था. आप एग्रीमेंट करने के बाद अगर इस तरीके से ब्रीच करने की बात करोगे, आप छुटकारा पाने की कोशिश करोगे, एक्सक्यूजेस निकालने की कोशिश करोगे कि मुझे तो कोई फायदा हो ही नहीं रहा है, ब्रेक इवन पॉइंट हो रहा है, नो प्रॉफिट नो लॉस, तो मैं सेवा क्यों दूँ आपको, चलिए मैं परफॉर्म नहीं करूंगा, ऐसे करके आप बच नहीं सकते एक्सक्यूज निकाल के, इम्पॉसिबिलिटी का सहारा. एक एग्जांपल देता हूँ, एक्स एग्रीड टू सप्लाई टॉयज विद इन सर्टेन पीरियड टू वाई. एक्स एग्रीड टू सप्लाई टॉयज विद इन अ सर्टेन पीरियड टू वाई. ड्यू टू गवर्नमेंट्स रिस्ट्रिक्शंस ऑन द ट्रांसपोर्ट ऑफ टॉयज फ्रॉम चाइना ही फेल्ड टू सप्लाई इन टाइम. एक बंदा एक्स जो है उसने वचन दिया वाई को कि मैं आपको जो खिलौने होते हैं टॉयस वो आपको उसकी सप्लाई करूँगा, लेकिन सप्लाई देने से पहले गवर्नमेंट्स की रिस्ट्रिक्शंस आ जाती है कि अब आपने चाइना से टॉय खरीद के बेचने नहीं, उस पर बैन कर दिया, रिस्ट्रिक्शंस डाल दिए कि चाइना की जो टॉयज है खिलौने हैं वो आप अब आपने परचेस नहीं करने चाइना की कंट्री से, उस पर बैन कर दिया. तो अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि अब बंदा निकलने की बात कर रहा है, अंदर से डिस्चार्ज होने की बात कर रहा है, मैं तो सप्लाई करना चाहता हूँ लेकिन बैन हो गया है, चाइना से मैं माल मंगा नहीं सकता, मैं आपको दूं कैसे? तो सर बैन तो अभी हुआ है, बैन को मेरा आर्ग्यूमेंट सुन लीजिए, बैन तो अभी हुआ है, यही टॉयज ओपन मार्केट में तो अवेलेबल होगी कि नहीं फिलहाल आज की डेट में? बैन अभी हुआ है मान लीजिए, तो उससे पहले की सप्लाई तो हुई होगी ना मार्केट में. तो जिसने कमिटमेंट किया उसकी ड्यूटी बनती है कि मार्केट खंगाले, मार्केट में घूमे, क्योंकि उसने कमिटमेंट की है, उसको उसकी कमिटमेंट पूरी करनी ही पड़ेगी, नहीं तो जो नुकसान होगा सामने वाले को देना पड़ेगा एज ए कॉम्पेंसेशन. सो सिंस टॉयज वेर अवेलेबल इन द ओपन मार्केट फ्रॉम वेयर एक्स कुड हैव ऑब्टेंड इट, एक्स विल नॉट बी डिस्चार्ज्ड ग्राउंड ऑफ इम्पॉसिबल. इस तरीके से आप कॉन्ट्रैक्ट में से छुटकारा नहीं पा सकते, आपने पूरी कोशिश करनी होगी, 100% देना होगा ओपन मार्केट में. दूसरी सिटीज में अगर वो गुड्स अवेलेबल है तो वहाँ से आपको परचेस करके सप्लाई करनी ही पड़ेगी. आप छूट नहीं सकते एक्सक्यूज देके कि मैं तो परफॉर्म करना चाहता था बट ड्यू टू डिफिकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस आई एम नॉट एबल टू परफॉर्म, वो नहीं चलेगा. अगला एक्सेप्शन देखते हैं, एक्सेप्शन नंबर 2, कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी. व्हाट इज कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी? गुजराती में कहवाय व्यापारी अशक्यता. तो क्या ये एक्सक्यूज भी जेन्यून है? मीन्स ये जो बहाना निकाल रहा है कि ये जेन्यून है या नहीं? किस प्रकार की एक्सक्यूजेस हो सकती है कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी? आप एज अ बिजनेसमैन एक्सक्यूज निकाल रहे हैं तो आपकी एक्सक्यूजेस किस बेसिस की हो सकती है? दोस्तों दो चीजें आपको याद रखनी है. पहली, फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी इज अ जेन्यून रीजन. फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी हम पढ़ चुके हैं आगे, फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी इज अ जेन्युइन रीजन, वो एक्सक्यूज नहीं है. बंदे की डेथ हो जाएगा तो परफॉर्म कैसे करेगा? बंदा अनसाउंड माइंड का हो जाएगा तो परफॉर्म कैसे करेगा? तो वो जेन्युइन रीजन. बीमार हो जाए कैसे डांस करेगा? डांस करना होगा तो कैसे गाना गाएगा? गाना गाना हो तो इम्पॉसिबल है सर, फिजिकली इम्पॉसिबल. जिस दिन परफॉर्म करना था उसी दिन बीमार हो गया, कैसे परफॉर्म करेगा? फिजिकली इम्पॉसिबल, जेन्युइन रीजन. कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी ये जेन्युइन रीजन है.
इवन लीगल इम्पॉसिबिलिटी इज अ जेन्युइन रीजन, हम पढ़ गए लीगल इम्पॉसिबिलिटी भी जेन्युइन रीजन, लेकिन कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी माना गया है। अब कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी किस बेसिस पे इसे एक्सक्यूज माना गया है? तो सर आप ऐसा एक्सक्यूज निकाल सकते हैं कि भाई जो रॉ मटेरियल है उसका प्राइस बढ़ गया है, तो मैं मैन्युफैक्चरिंग कैसे करूं? जो मुझे आपको मैन्युफैक्चरिंग करके देना था वो मेरे लिए बहुत महंगा पड़ रहा है, उसका प्राइस बढ़ गया है, तो मैं आपको कैसे दूं चीज बना के? या प्राइस राइज इन वेजेस हो गए, जो आपने लेबर्स को वेजेस पे करने हो गया उसमें हाइक हो गया हो, तो मैं कैसे अब आपको इसमें सप्लाई दूं? इंक्रीज इन टैक्स हो गया हो, अचानक से मान लीजिए जीएसटी आ गया था बीच में, जीएसटी आ गया, आप बहाना निकाल रहे हैं जीएसटी आ गया, मेरा टैक्स बढ़ गया, मेरी लायबिलिटी बढ़ गई है, मुझे जो प्रॉफिट होना चाहिए था अब नहीं हो रहा है, तो मैं परफॉर्मेंस नहीं दूंगा। ऐसे आप एक्सक्यूज नहीं निकाल सकते सर। कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी डज नॉट डिस्चार्ज द कॉन्ट्रैक्ट, आपने वादा किया आपने परफॉर्म करना ही पड़ेगा। बहुत ज़्यादा रेट बढ़ जाए, मान लीजिए वॉर डिक्लेयर हो गया और बहुत ज़्यादा रेट बढ़ जाए रॉ मटेरियल का, जो चीज़ एक रुपए थी रुपए की हो वो 300-400 रुपए की हो जाए, तो फिर वो जेन्युइन रीज़न माना जा सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान होता है। लेकिन थोड़ा माइनर इंक्रीज हो रहा है मान लीजिए, उसके बेसिस पे हमें सोचना चाहिए। माइनर इंक्रीज हो रहा है तो फिर आपको अगर नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन हो रही तो आपने परफॉर्मेंस देना चाहिए। थोड़ा लॉस भी हो रहा है तो बेयर करके देना चाहिए, फ्यूचर में हमें ट्रांजेक्शन करने हैं तो हमें हमारी एक क्रेडिट क्रिएट करके रखनी है, उसे कंसिस्टेंट रखनी है सर। नंबर 3 पे चलते हैं, फेलियर ऑफ अ थर्ड पार्टी। फेलियर ऑफ अ थर्ड पार्टी, अब कभी कभी क्या होता है हम थर्ड पार्टी पे ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं, कभी कभी असाइनमेंट्स में भी ऐसा होता है, हमें असाइनमेंट्स लिखना होता है तो हम वेट करते हैं कि हमारा एक बंदा असाइनमेंट लिखे, क्लास का हीरो जो है वो असाइनमेंट लिखे, तो हम उसमें से कट कॉपी पेस्ट कर लेंगे। लोग करते हैं, सब ऐसा करता है, मैं यूं नहीं कह रहा, कुछ जेन्युइन भी होंगे, खुद असाइनमेंट ढूंढते हैं, खुद लिखते हैं, पढ़ पढ़ के तैयारी करके भी लिखते हैं, कुछ लोग तो जेन्युइनली लिखते हैं। कुछ कैसे लिखते हैं सर, तूने लिखा दे, बस कट कॉपी पेस्ट। तीसरे खिलाड़ी कैसे होते हैं, खुद भी नहीं लिखते हैं, दूसरों से लिखवाते हैं, ऐसे भी खिलाड़ी होते हैं, हाथ तक कलम हाथ में नहीं लिए, ऐसा भी बोलते हैं, स्टेटमेंट बोलते हैं ऐसा। सो द डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन डज नॉट अप्लाई वेयर द कॉन्ट्रैक्ट वुड नॉट बी परफॉर्म्ड